प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा। प्रचार में आमतौर से उनको ये बातें करनी चाहिए जिनसे आपका मतलब होता है, मतलब आपकी क्या समस्याएं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर बात करने आया हूं कांग्रेस की आने वाली उस पॉलिटिक्स को लेकर के, जिस पॉलिटिक्स की चर्चा धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में होने लगी है, जिसकी गर्मियों का एहसास कार्यकर्ताओं को हो चला है, और इसी गर्मा गर्मी में, इसी सटापटी गहमा गहमी के वातावरण में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नाम अपने खून से लेटर लिखा है। लेकिन कितना अच्छा होता कि खून से लेटर लिखना बहुत आसान होता है कमरों में बैठ करके, इसी कमरों में बैठ करके, लेकिन कितना अच्छा होता कि ज़मीन पर जाकर के यही कार्यकर्ता कुछ कैडर तैयार करते, उन गांव-गांव तक पहुंचते जहां पर कांग्रेस का कैडर नहीं है। खैर चलिए, इसी बीच खबर दबी छुपी सी आ रही है कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी के चेहरे के सामने शायद योगी का चेहरा उतना कारगर या उतना प्रभावी नहीं होगा जितना प्रभावी प्रियंका गांधी का चेहरा होगा। हालांकि प्रियंका गांधी के उतर आने से उत्तर प्रदेश के चुनावों में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं में जोश भी आया और कार्यकर्ताओं की ये मांग पहले से रही है कि प्रियंका गांधी को राजनीति में उतरना चाहिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें सक्रिय हो जाना चाहिए। इस बारे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया कि क्या प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तब सिंधिया जी का जवाब था कि इसके बारे में फैसला नेतृत्व करेगा, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए। चलिए मान लिया कि राजनीति में प्रियंका गांधी आती हैं, तब क्या क्या चुनौतियाँ प्रियंका गांधी के सामने होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के कैडर को जमीनी स्तर से तैयार करना, क्योंकि कांग्रेस अपनी वो ज़मीन खो चुकी है। कांग्रेस के उन नेताओं को भी बदलना जरूरी है, जिला अध्यक्षों को बदलना जरूरी है, उन सारे संगठनों को में जितने मेन अधिकारी थे जो बहुत बरसों से कब्जा जमाए बैठे हैं उनको बदलना जरूरी है। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? क्या नए युवाओं को, चेहरों को अपने यहाँ जगह दे पाएगी? क्या नए युवा चेहरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देखने को मिलेंगे? अगर ऐसा है तो शायद हो सकता है कि इस बार प्रियंका गांधी एक बड़ी चुनौती बनकर के अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए एक बड़ा कमाल कर जाए। दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो जरूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।